सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन ग्राफिक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो प्रिंटिंग के बारे में, पूरा हमारा लास्ट वीडियो था, उसमें हम लोगों ने ब्लीडिंग कैसे देना है, टेक्स्ट को आउटलाइन करना है ताकि वो फॉन्ट मिसिंग का प्रॉब्लम ना हो, एम्बेड करना इमेज को, ये सारी चीजें सीखी थी। ये वीडियो हमारा उसी का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे जो हमारा जो मान लीजिए हमने डिजाइन को ब्लीड कर दिया है, उसके बाद हम उसको जो कट मार्क देना होता है, ट्रिम मार्क जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन मार्क जो होता है, कलर बार एंड ये सब चीजों के बारे में हमारा ये वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये था हमारा लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिजाइन क्रिएट किया था, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे हम। तो इसमें अभी आप मान लीजिए यहाँ पे अपने हम लोगों ने 4x4mm का, आई थिंक मुझे जहां तक याद है 4x4mm का ब्लीड दिया था हमने। यहाँ पे हम लोग कट मार्क देंगे, ट्रिम मार्क जो बोलते हैं, उसके लिए हमको सेव करेंगे, सेव एज PDF। ओके, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं मार्क एंड ब्लीड का, मार्क एंड ब्लीड। पहले सबसे पहले जनरल में जाके प्रेस क्वालिटी, ओके, ताकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। वो देख सकते हैं आप मैक्सिमम पे 450 ppi एंड 1800 तक का जो क्वालिटी मेंटेन करके देते हैं वो आपको। ओके, तो सबसे यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है मार्क्स एंड ब्लीड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल प्रिंटर्स मार्क्स, यहाँ पे ये ट्रिम मार्क। अब ट्रिम मार्क क्या होता है, जो लाइन होती है जहाँ से काटते हैं जब हम लोग डिजाइन को, मान लीजिए प्रिंट होने के बाद जो कटिंग होती है पेपर की, वो जो मार्किंग होती है उसको ट्रिम मार्क बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन मार्क मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, रजिस्ट्रेशन मार्क जो होता है, ओके। एंड कलर बार्स, जो पेज के साइड में कलर बार्स की जिसमें जो जो कलर्स यूज हुए हैं CMYK के, जो जिस जिस कलर से बना होता है, वो पेज इंफॉर्मेशन जो होता है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको क्या होता है। फिर यहाँ पे जो है प्रिंटर मार्क टाइप रोमन, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ओके। ट्रिम मार्क वेट, ये क्या होता है, जो ट्रिम मार्क जो लाइन होता है जो कटिंग का, उसका वेट कितना होना चाहिए, लाइक 1 पे है, 0.25 है, 5 है, वो चीज़ ये है, ओके। तो ये अभी फिलहाल 0.25 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग, ब्लीडिंग का जो हमने एरिया जो 4x4mm का रखा है, ओके। तो ये जो मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ब्लीडिंग का ये जो है, यहाँ से यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे कट मार्क दे रहे हैं यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे तो पहले इसको कैंसिल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ऐसा कट मार्क आएगा आपका, ओके, इसका कलर वाइट में, और ये मान लीजिए ऐसा कट मार्क आएगा, तो ये यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो वहाँ पे वो चीजें वहाँ पे कैलकुलेट होती है, ओके। तो वापस में कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव एस करता हूँ, एंड यहाँ पे मार्क एंड ब्लीड ऑल प्रिंटर्स मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं लाइक कितने mm पे वो डिस्टेंस मेंटेन करे। तो मान लीजिए फिलहाल मैं इसको 2 mm पे रख देता हूँ, ठीक है। सेव PDF, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे सेव हुआ है, देख सकते हैं आप। यही चीजें थी जो ये ट्रिम मार्क हमारा होता है, इसको ट्रिम मार्क बोलते हैं, जो ये चीज है इसको ट्रिम मार्क बोलते हैं। ये होता है रजिस्ट्रेशन मार्क, ये कलर बार्स, ओके, एंड ये जो था डॉक्यूमेंट जो पेज के बारे में था वो ऑप्शन था, वो ये है कि ये किस डेट को हुआ है एंड क्या टाइमिंग पे ये पेज जनरेट हुआ है, वो पेज पे ही जो है लिख के आ जाता है, ओके। यही था आज का टॉपिक। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।